गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आज की जो ये ब्लॉग है वो एंड तक देखना मत भूलना और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है। हाँ जी गाइज, मैं इको पार्क और आप देख सकते हो यहाँ का जो वाइब और ये बोट्स और पैडलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पार्क गाइस, ये गाइस यहाँ से बिल्कुल फॉरेन जैसी फीलिंग आ रही है। गाइस वहाँ पे वो जो है वो सामने क्रूज चल रही है एंड आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये बिल्कुल फॉरेन जैसा लग रहा है। यू कैन सी पार्क है एंड वहाँ पे मदर वैक्स म्यूजियम है। वहाँ गाइस ये रही मदर वैक्स म्यूजियम, वहाँ किसी दिन चलेंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस ये रही लोटस प्लांट, इसमें लोटस आएगी तो अभी इसके पत्ते ही है सिर्फ। और बहुत बढ़िया से क्रूज चल रही है जहाज। वाओ कितनी बढ़िया है गाइस। So guys, 10 years before it was nothing and today Eco Park is such a brand and such a good place to be here. Hello, bahut dur जैसे चंडीगढ़ में जापानीज गार्डन है तो उसी टाइप का कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, जापानीज फॉरेस्ट। एंड देखते हैं क्या है। लॉर्ड बुद्धा का स्ट्रक्चर एंड गाइस ये है इसका एनवायरनमेंट कुछ। आई नेवर न्यू, अभी आते आते रात तक हो गई एंड आई एम फीलिंग सो नाइस। ये बिल्कुल जापान का कंसेप्ट है, द स्ट्रक्चर द मॉन्यूमेंट्स जैसे जापान में बनाते हैं उसी टाइप का यू नो बनाया गया है। रात हो गई है आते आते, एक्चुअली फिर भी लाइटिंग है। ओ वाओ नाइस, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा बना हुआ है। एंड ये छोटे छोटे पॉन्ड्स, द कोलकाता इज डेफिनेटली द सिटी ऑफ पॉन्ड्स यू नो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेवन लोटस रिप्रेजेंट द सेवन डिटीज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लाइट फॉलिंग ऑन द लोटस इज द लाइट ऑफ द गॉड्स। ओ माय गॉड, इतना अच्छा एनवायरनमेंट। तो ये रही ये लोटस, ये बनाया आर्टिफिशियल, देख रहे हो आप। तो चलते इस ब्रिज में, गिर ना जाओ। आई एम सो सो। तो गाइस ये एक मिनी जापान है, अगर आप आए नहीं हो तो टूर करके ज़रूर जाना, अगर आप आते हो तो, बिकॉज इट्स मिनी जापान, एकदम जापान जैसी फीलिंग आती है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है जापान से। तो मुझे तो लग रहा है मैं जापान आ गई हूँ सस्ते वाले जी। तो गाइस देख सकते हो कि ये मोंटेसरी में जैसे होती है ना वैसी है। ये तो कोई जापान की परंपरा है कि तो ऐसे बजाओ 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 बजाओ। तो ये है ये मोंटेसरी, ये बड़ी है ये मोंटेसरी। तो गाइस ये बहुत बड़ी है एंड रेड वाइट में बनी हुई है। तो देखते हैं इसके अंदर जाते हैं। तो गाइस देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बुद्धा है एंड कुछ बेल वगैरह है। तो ये आई थिंक इट्स यू नो वी नेरा। ये देखो ये लाइट्स कंसेप्ट, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें बनी हुई है एंड इट्स लाइक वी आर इन कोरिया। गाइस आई थिंक इट्स अ कोरियन वाइब रेस्टोरेंट। तो गाइस यहाँ पे सनफ्लावर्स यू कैन सी। गाइज आप देख सकते हो कितना कंसेप्ट है। ये बैम्बू है, उसको कलर करके इस राउंड शेप का कुछ बनाया गया है एंड इट्स सच अ कंसेप्ट। तो गाइज आप मिनी फ्रांस में आ गए हैं एंड यू कैन सी द आईफिल टावर
एंड बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये नया बना है तो जिसको जिसको पता नहीं है उनके लिए मिनी दुबई मिनी यूएई। रात का व्यू आप देख सकते हो, रात को ये ऐसा लग रहा है। तो गाइस ये है रात का एरिया, ये लाइटिंग। तो गाइस यहाँ पे जैसे पिंक कलर के गुलाब है। गाइस तो हम आ गए हैं जेब्रा में, जेब्रा पॉइंट। तो ये देख सकते हैं बड़े बड़े जेब्रा है यहाँ पे। गाइस ये रही यहाँ की सबसे बड़ी हाथी। तो गाइस ये जो कंसेप्ट है कुछ साउथ इंडियन टाइप का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तरह तरह की फेसेस बनी हुई है। ये एक फेस हो गई, एक फेस हो गई। तो ये है यहाँ का कंसेप्ट। ये जैसे घूम है, ये टॉय ट्रेन है, दार्जिलिंग जैसा ट्रेन बनाया है इन्होंने, टॉय ट्रेन। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट पिंक वाइट चेयर्स, क्वाइट अ कंसेप्ट। तो गाइस ये है टॉय ट्रेन। तो गाइस ये रही ट्री हाउस। गाइस ये है ट्री हाउस। तो जो ट्री के बीच में हाउस बनाते हैं तो ये है ट्री हाउस है। इस ये इजिप्शियन स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ये ताजमहल बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं सेवन वंडर्स में। ये जैसे पार्लियामेंट हो गई। तो गाइस यहाँ पे जैसे हो गई पार्लियामेंट, ये रही ताजमहल। तो एकदम दिल्ली जैसे ताजमहल बनी हुई है, रेप्लिका है इसकी और ये पार्लियामेंट रेप्लिका है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। सो अगर आपको अच्छी लगी तो फिर डू लाइक शेयर वॉच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसी के साथ चाचा बाय बाय, सी यू ऑफ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। वो बाय।